की है जो चमन में इस वक्त हो रहा है और पूरी फाटा आप वजीरिस्तान वजीर मसूद और इधर ममन बाजवड़ जितनी भी हमारी पश्तून बेल्ट है वो इस वक्त शराब एहतजाज है क्योंकि कारोबार बंद है। बदमनी की लहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और मुझे डर यह है कि ये एक खौफनाक सूरत हाल का सामना है हमें। मुझे अफसोस इस बात पे है कि यहाँ असम्बली में कोई संजीदा नहीं ले रहा इसको। कल भी बात हो रही कोई मिनिस्टर नहीं है, इनका ये रवैया है ये इंतहा काबिल मजम्मत है। इस वक्त आपको मैं ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहता हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत ने जो लोग धरनों पे बैठे हैं जिन लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं और जो लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उसके साथ सीरियस बैठक नहीं की तो ये हालात उस हद तक पहुंच जाएगी कि किसी की कंट्रोल में नहीं होगा। मैं आपसे मुल्तमिस हूं स्पीकर साहब, आपकी इस चेयर से मुल्तमिस हूं कि मैंने खुद इस पोजीशन पे था, एक स्पेशल कमेटी बनाई थी। मैं चाह रहा था कि बिलावल साहब भी हो। इस वक्त ये सारा जो कुछ हो रहा है बलोचिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत है। मैं मुतालिबा करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करवा दे और बता दे कि चमन के लोगों के साथ बात करो, उसके ऊपर गोलियां ना बरसाओ, उसके ऊपर डंडे ना बरसाओ, उनके साथ बात करो। मैं मुतालिबा करता हूं वफाकी हुकूमत से कि जो इधर वजीरिस्तान और मसूद और ये सारे ट्राइबल एरिया के लोग बैठे हैं उनका कारोबार बंद किया गया है, इनके लिए एक पार्लियामानी कमेटी बनाए। मेहरबानी करे सीरियस इस पे टिप ले, खुदा ना ख्वास्ता यह हमारे हाथ से निकल जा रहा है और हम मजबूर मुजम्मत करते हैं चमन में जो कुछ हो रहा है और इस वक्त जितनी भी हमारे कबाइलों के साथ जो इनके फंड रोके गए हैं, जो इनका कारोबार बंद किया गया है और उनका सारा इंसार अफगानिस्तान के तालुकात पे। मैं उन लोगों से जो फैसले करते हैं मैं उनसे मुतालिबा करता हूँ खुदारा हमारे इस सरजमीन पे रहम करे, बहुत हो गया, हम मजीद जंग व जदल बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अमन चाहते हैं, हमें बंदूक को बारूद नहीं चाहिए, हमें कलम व किताब और अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया।